हेलो जैन दोस्तों, मैं राहुल सिंह, राहुल वाईफाई स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जी हाँ फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चैनल से जुड़ी खबर लेकर मैं आपके समक्ष आ चुका हूँ। आज आपका 10 नवंबर है। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करते चलिए ताकि अधीनस्थ सेवा चैनल की पल पल की अपडेट आपको सीधे राहुल वाईफाई स्टेशन के माध्यम से आपके मोबाइल हैंडसेट पर पहुँचाया जा सके। तो आप देख सकते हैं, वहाँ सरकार अभ्यर्थियों पर जुल्म, इसकी सजा आखिरकार हमें क्यों, बड़ी चीज़ निकल के आ रही है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, कल अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे अभ्यर्थियों पर पुलिस ने बर्बरता दिखाई है और उन्हें जबरदस्ती तरीके से उन पर जो है लाठीचार्ज किया और उन्हें लाद कर, जी हाँ भर कर, ठूंस कर बस में उन्हें वहाँ से हटाया गया है। क्या खबरें हैं, पूरी खबर हम लोग देखेंगे जानेंगे, लेकिन उससे पहले चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करते चलिएगा। चलिए अब देख लेते हैं पूरी खबर यहाँ से। ये खबर खैर आपको कल ही पता चल गया होगा सोशल मीडिया के जरिए। देख सकते हैं, यूपी डब्ल्यूएससी भर्तियों का सीएम आवास के बाहर प्रदर्शन और उसके बाद गिरफ्तारी। नियुक्ति न मिलने से नाराज यूपी डब्ल्यूएससी अभ्यर्थियों ने सोमवार को मुख्यमंत्री आवास के बाहर प्रदर्शन कर नारेबाजी की। इस दौरान अभ्यर्थियों की पुलिस के साथ झड़प भी हुई, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर इको गार्डन ले जाया गया। आरोप है कि पुलिस ने अभ्यर्थियों के साथ मारपीट करने के साथ ही अभद्रता भी की है। ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी, समाज कल्याण पर्यवेक्षक 2018 भर्ती में चयनित अभ्यर्थियों को शामिल अतुल कुमार का आरोप है कि 14 महीने पहले अंतिम परिणाम जारी हो चुका है, लेकिन अभी तक नियुक्ति नहीं दी गई है। तो निश्चित तौर पर करे कोई और सजा हमें क्यों, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए सरकार को आगे चीज़ें बढ़ानी चाहिए। गड़बड़ियाँ सबको, सिस्टम आपका है तो आपने गड़बड़ियाँ की है तो उसका सजा हमें नहीं मिलना चाहिए, इस चीज़ को ध्यान में रखना चाहिए, लेकिन अभी तक नियुक्ति नहीं दी गई है। उन्होंने बताया कि सभी लोग ग्राम विकास अधिकारी के लिए चयनित हैं और नियुक्ति के लिए कई बार धरना प्रदर्शन कर चुके हैं, पर सुनवाई नहीं हुई है। सोमवार को भी वह लोग शांतिपूर्वक मुख्यमंत्री से मिलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन पर लाठियां बरसाई और अभद्रता की है। इको गार्डन ले जाते समय रास्ते भर प्रताड़ित किया गया। अभ्यर्थियों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो वह दिवाली घर पर नहीं बल्कि धरना स्थल पर मनाएंगे। तो यानी लगातार धरना प्रदर्शन जारी है ऐसे छात्रों का जो चयनित है 1953 पदों के लिए। जैसा कि आप लोग जानते हैं, अगस्त माह में इसकी SIT जांच शुरू हो चुकी है। अब बड़ी चीज़ यही कि आखिरकार SIT जांच कब तक आएगी। गड़बड़ियों को लेकर के खुद मैंने आपको बताया था कि इस विभागीय मंत्री जो थे उन्होंने आरोप लगाया था कि इस भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ी हुई है और इसमें अधिकारियों को जो है कुछ मिलीभगत को लेकर के उन्होंने बातें कही थी। उसके बाद ये SIT जांच शासन ने लगा दिया है। अब SIT जांच बहुत जल्द आने की जो है संभावनाएं भी जताई जा रही है, लेकिन इसी बीच छात्रों का, जी हाँ, जो धैर्य था, जो उनका आत्मसंयम था, वो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जवाब देता है। और इस तरीके से चयनित होने के बाद बेरोजगार होकर के घर पर बैठना कितना मुश्किलात का सामना होता है वो तो वही छात्र जान सकते हैं जिनका इसमें चयन हुआ है। तो निश्चित तौर पर धरना करना कोई गलत बात नहीं है, अपनी बातों को रखना सरकार के समक्ष कोई गलत बात नहीं है और तरीका भी ठीक था। बिल्कुल शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन दिया जा रहा था, मुख्यमंत्री से बात करने की बात कही जा रही थी, लेकिन इसी बीच पुलिस से झड़प हुई और पुलिस ने अभद्रता की और उन्हें गलत तरीके से जो है चेतावनी दी गई और उनको लाद कर मुख्यमंत्री आवास से इको गार्डन ले जाकर के जो है इको गार्डन पहुँचा दिया गया है। तो कुछ इंपॉर्टेंट खबर थी मित्रों। निश्चित तौर पर आप भी अपनी राय रखिए कमेंट बॉक्स में, जो भी आपके विचार हैं, चाहे अधीनस्थ सेवा चैनल के खिलाफ, सरकार के खिलाफ, या फिर कोई और भी बात हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।